आज हम आपको कुछ ऐसे जादूगरों के बारे में बताएंगे जो अपने जादू के दौरान कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी ये गलती उन पर भारी पड़ गई, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 4, टीवी होस्ट स्टब्ड इन हैंड। एक टीवी शो में एक जादूगर को बुलाया जाता है और ये जादूगर अपना जादू दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जादूगर अपने आगे चार कागज को रखता है जिसमें एक के अंदर एक चाकू होता है और जादूगर को इस चाकू को गायब करना होता है। लोगों को अपने हाथों से इन कागज को दबाकर चाकू के गायब होने का सबूत देना होता है, लेकिन जिस भी कागज को जादूगर दबाता है उसमें चाकू नहीं होता। लेकिन गलती तो इंसान से होती है ना, तभी तो इस जादूगर से एक बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ये जादूगर इस शो की होस्ट को कागज को दबाने के लिए बोलता है, वैसे ही उस कागज में रखा एक चाकू इस शो की होस्ट के हाथ में लग जाता है और ये होस्ट जख्मी हो जाती है। उस होस्ट के हाथ में गहरी चोट लग जाती है। तो क्या आप लोगों ने इस तरह का जादू पहले देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए। नंबर 3, ब्यूरेड अलाइव गॉन रॉन्ग। कुछ जादूगर अपना जादू दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और कभी कभी ये जादूगर अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अब जरा इस जादूगर को देख लो, जो कि एक जाना माना जादूगर है, लेकिन इस जनाब के सर पर जमीन में दफन होने के बाद जिंदा रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भूत सवार था। इसी वजह से इंसान अपने आप को गहरे गड्ढे में दफनाने की पूरी तैयारी कर लेता है। इतना ही नहीं, इनके लिए खोदे गए गड्ढे में इन पर रखी जाने वाली मिट्टी को पहले गीला किया जाता है, उसके बाद जमीन को सीमेंट और पत्थरों से सेट किया जाता है, तब जाकर इनको इसमें दबाया जाता है। लेकिन इनको इसमें दबाने के कुछ मिनटों बाद इनकी सांसें चलना बंद हो जाती है, जिसके बाद इनको जल्द से जल्द उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। ये गड्ढा इतना ज्यादा गहरा होता है कि इनको निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा और उससे खुदाई करवाने के बाद इनको वहां से बाहर निकाला गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में जान जा सकती थी भाई साहब की। नंबर 2, डेविड ब्लेन शॉर्ट इन थ्रॉट। अब इस जादूगर को देख लो, ये जादूगर अपने जादू के लिए फेमस है। इनका शानदार जादू देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस बार जादूगर कुछ अलग करने वाला था और इसने कुछ अलग करने के लिए अपने मुंह में कॉइन रखकर उसको गन से शूट करने के बारे में सोचा। लेकिन जैसे ही ये अपने मुंह में कॉइन रखकर गन से शूट करता है, वैसे ही उस गन से निकली गोली सिक्के पर बहुत तेज रफ्तार से आकर लगती है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि इनके पूरे मुंह को जख्मी कर देती है। इसके बाद इनको समय रहते हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा और कई महीनों बाद ये ठीक हुए और फिर कोई जादू नहीं कर पाए। नंबर 1, नाइफ थ्रोइंग गॉन रॉन्ग। इस तरह का शानदार जादू तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इस गोल लकड़ी पर एक लड़की को बांधकर स्पिन किया जाता है और यहाँ खड़ा जादूगर इस लड़की को बचाते हुए अपना निशाना सही जगह पर लगाने की कोशिश करता है। ये बात तो सच है कि जादूगर इसमें माहिर होते हैं, लेकिन कभी कभी इनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तभी तो जैसे ही उस पर बंधी लड़की को स्पिन किया जाता है, वैसे ही ये जादूगर उस पर चाकू से निशाना लगा देता है, लेकिन चाकू लकड़ी पर ना लग कर लड़की पर लग जाता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है और बाद में पता चलता है कि इस लड़की का पैर बुरी तरह घायल हो चुका है, जिसके बाद जादू को बीच में रोकना पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस जादूगर की छोटी सी गलती से लड़की की जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, इनमें से किस जादूगर की गलती आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही गोपाल सालूर और अभिजीत एबी हमारे दो ऐसे व्यूअर हैं जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो हमें कमेंट करना ना भूले और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।